डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 6 आपने देख लिया होगा और अभी तक अपने स्टोर रूम को क्लीन किया है कि नहीं वो नीचे कमेंट करके अभी के अभी बताओ। एज रिक्वेस्टेड यार, डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 7 आज मैं लेके आई हूँ। और आज हम जो डीक्लटर करने जा रहे हैं ना, हम उसको कभी साल में या 2 साल में एक बार ही डीक्लटर करते हैं। गेस करो कि क्या चीज़ है घर में से और वो आपसे रिलेटेड है। आपके लिए मैं इस तरीके से गाड़ी में जहाँ ट्रैवल कर रही होती हूँ तब वीडियो बना रही हूँ। एंड सबसे पहले मैं एक थैंक यू बोल दूँ सीमा तिवारी जी को, शी इज़ सो स्वीट। उन्होंने मेरी मम्मी की तबीयत के बारे में पूछा है। सीमा जी थैंक यू वेरी मच। मेरी मम्मी अभी रिकवर कर रही हैं, थोड़ा सा उठना उन्होंने शुरू कर दिया है बट अभी भी कम्प्लीट बेड रेस्ट है, ज़्यादा उनको मूवमेंट अलाउड नहीं है। सो थैंक यू सो मच, यू आर वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच। ओके, अभी तक शायद आपने कॉमेंट में बता दिया होगा कि भाई आज हम कौन सा पार्ट घर का डीक्लटर करने जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना वैनिटी कम ड्रेसिंग टेबल डीक्लटर करने जा रहे हैं। और भाई इसमें जो चीज़ें भरी होती है ना, अब मैं यहाँ वाला सिनारियो बता देती हूँ, अभी जहाँ घर पे हूँ तो वहाँ का सिनारियो बता देती हूँ। वहाँ पे तो भाई 2002 की भी चीज़ें निकली हैं जो कि छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स मैं आपको देती रहूँगी। बट जो आपने अपने वैनिटी में डीक्लटर करना है अगर आप नहीं करते हो अभी तक, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। भाई यहाँ पे तो निकली है सदियों पुरानी आइडक्स भी और सदियों पुराना तेल भी, जो कि मतलब 2002 का है। सोचो, लगाओ ज़रा हिसाब, लगाओ ज़रा। फिर मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करती जाती हूँ कि भाई आपने निकालना क्या क्या है वैनिटी और ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखिए, जो मैं आपको डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र में बता रही हूँ, अगर आप ये सब चीज़ें अपने घर से निकाल रहे हैं, इसके बाद आपको उनको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और अगर आपने पूरी सीरीज़ फॉलो करी है तो आपको वो टिप मिल गया होगा कि डीक्लटरिंग के बाद आपको उन चीज़ों को मेंटेन कैसे करके रखना है। मेंटेनेंस के लिए सिर्फ एक ही टिप है, नेक्स्ट परचेज जब आप करते हैं वो परचेज आप तभी करिए जब उसकी जगह आप अपने घर में बना लेते हैं। उसको लाने के लिए आप कोई चीज़ अपने घर से निकाल रहे हैं तब आप उस चीज़ को लेके आ रहे हैं। अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट है उसको पहले फिनिश कीजिए, कोई पर्सनल केयर स्किन केयर का प्रोडक्ट है पहले फिनिश कीजिए और तब उसकी जगह नया प्रोडक्ट लेके आइए। सो इस तरीके से है। चलिए अब लिस्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है ये। तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि भाई आपके घर में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स में फेस में आ सकता है, मेकअप में है, हेयर में है, बॉडी में है, पर्सनल केयर आइटम्स में है। सो आपके पास इंटीमेट वॉशेज़ हो सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हाउ टू यूज़ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, मैंने इस तरीके से एक वीडियो शेयर की हुई है जो कि आप अगर एक्सपायर हो चुके हैं आप उनको किस तरीके से घर में यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। देखो, पैसे तो हर चीज़ में लगते हैं और वैसे फेंकना भी ठीक नहीं लगता, जैसे कि अभी मैंने अपनी मम्मी के घर में देखा है। भाई 2002 की आइडक्स निकली, यार मैं आपको शॉट्स दिखाती हूँ, आइडक्स निकली जो पुराने टाइम की आइडक्स थी ना यार, ग्लास बॉटल में आती थी और ग्रीन कलर का उस पर लिखा हुआ होता था आयोडेक्स, वो निकली है भाई। आई वॉज शॉक्ड टू सी, बट आइडक्स इज इन गुड कंडीशन। बट हाँ, उसको स्किन पर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज एज इज ओल्ड है। वो चेक करो, हेयर रिमूविंग क्रीम्स चेक करो, मेकअप में आप फाउंडेशन, मतलब सारे जितने आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उतने यूज़ करो। मेकअप में तो मैं आपको ये बोलूँगी, आप नेक्स्ट परचेज़ अगर करने जा रहे हो ना, गो फॉर द ट्रैवल साइजेस, दो स्मॉलर साइजेस होते हैं, गो फॉर द ब्रांडेड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मैक के हो गए, एस्टी लॉडर के हो गए, सफोरा जाओ यार। जब आप इस तरीके के छोटे ट्रैवल साइजेस के लिए जाएंगे ना, उस तरीके से आप उनको जल्दी ख़त्म भी कर पाएंगे। एक तो वो हाफ़ कॉस्ट में भी आते हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपकी स्किन को भी डैमेज नहीं करेंगे और आपका मेकअप भी बहुत अच्छा फ्लॉलेस होगा क्योंकि उनकी फिनिश रियली गुड होती है। इसी तरीके से हेयर केयर में आ जाते हैं, शैम्पू, सीरम्स, हेयर ऑयल्स, हेयर मास्क, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, सब चेक कीजिए और जो आपको उसमें से निकालना है वो निकालिए। इसके बाद मैं बोलूँगी आप जो लेके आ रहे हैं वो वैसा लेके आइए जो हर हेयर टाइप को सूट करे आपके घर में, सो दैट जो चीज़ है वो पूरी तरीके से यूज़ हो और आप उसको फेंकने वाले एटलीस्ट मोड में ना आए। इसके बाद आप टैल्कम पाउडर्स चेक कीजिए, एंटी फंगल पाउडर्स चेक कीजिए, स्वेट पाउडर्स चेक कीजिए जो आप प्राइवेट एरियाज पे लगाते हैं, गर्मी के टाइम में काफ़ी चीज़ें होती हैं इस तरीके की, उनको चेक कीजिए। अगर एक्सपायर हो गई तो उनको तो इमीडिएट निकाल दीजिए बिकॉज उनका कोई और काम होगा नहीं। और पाउडर्स जो एक्सपायर हो चुके हैं उनको आप जो यूज़ करना चाहते हैं वो ये है कि आप कैरम बोर्ड पे यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के लिए। तो अगर छोटा पैक है तो आप उसको, अगर एक्सपायर हो चुका है, कैरम बोर्ड पे यूज़ कर सकते हो खेलने के लिए बच्चों के साथ, या अगर बड़े भी कैरम बोर्ड खेलते हैं तो यार मज़ेदार गेम है, खेला करो, बोर्ड गेम है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी चेक करो, उसमें जो पीसेस आपने लास्ट 6 महीने में नहीं पहने या 1 साल में नहीं पहने हैं
उनको एक बारी अच्छे से सोचो कि भाई मैं वो दोबारा पहनने वाली हूँ या नहीं पहनी हूँ। और साथ ही साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का देखो ट्रेंड भी चेंज, कभी कभी डैंगलर्स चल रहे होते हैं, कभी झुमकियाँ चल रही होती हैं, कभी छोटे स्टड्स चल रहे होते हैं, इस वक्त तो देखो सब कुछ ही इन फैशन है। आपको ये चेक करना है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। कहीं कहीं इयररिंग्स ना बहुत ज़्यादा कान में दर्द करते हैं, को हम उसको रीच आउट ही नहीं करते हैं। ऐसी कोई चीज़ है आपके घर में, कोई रिंग्स ऐसी हैं जो आपको कालापन दे जाती हैं स्किन पे, कोई नेकलेस ऐसा है जो आपको स्किन पे सूट नहीं करता है, इचिंग दे जाता है, तो वो सब चीज़ें आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेड को गिफ्ट कर दो, दिवाली गिफ्ट कर दो उसको, शी विल ऑल्सो बी हैप्पी। और उसके घर में कोई बेटी है तो यूज आ जाएंगी। लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश रिमूवर पैड्स आते हैं, वो भी सब चेक कीजिए। अगर एक्सपायर हो गए हैं तो उनको आप क्लीनिंग में यूज़ कीजिए। कैसे करना है उसके लिए आप एक्सपायर प्रोडक्ट्स वाली वीडियो देखिए आई बटन में। हेयर रिमूविंग क्रीम, अगेन इसको भी चेक कीजिए, और अगर एक्सपायर हो चुकी है तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो चेक कीजिए। कॉम्ब्स यार, कॉम्ब्स तो आपको चेक करना ज़रूरी है। हेयर ब्रशेस, कॉम्ब्स, अगर ये सब चीज़ें आपके घर में हैं, टूटी फूटी कॉम्ब्स हैं, तो वो सब चेक करो, वो सब अपने घर से निकाल दो, न्यू कॉम्ब्स लेके आओ यार, थोड़ा अच्छा फील भी होगा। और कॉम्ब्स अपनी हमेशा रेगुलरली वॉश किया करो, हर हफ्ते उनको वॉश किया करो। हफ्ता तो मतलब मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, हर 3 दिन में जिस दिन आप हेयर वॉश कर रहे हो उस दिन अपनी कॉम्ब, हेयर ब्रशेस वगैरह सब कुछ वॉश करो। जो भी आप हेयर पे यूज़ करते हो, स्कैल्प पे यूज़ करते हो, बेसिकली सब वॉश होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। टूटी फूटी चीज़ें यार घर पे मत रखो, आपको भी अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी उससे। अच्छी चीज़ें होंगी आपका भी यूज़ करने का मन करेगा, और चीज़ें कम रखो अपने घर पे ताकि आपका भी सिरदर्द थोड़ा कम रहे। आपने चेक करना है बिंदियाँ, कुछ कुछ बिंदियाँ हमारे पास इस तरीके की होती हैं कि हमारे पाउचेस में पड़ी हुई होती हैं, एंड उनका ना कलर डिसकलर हो चुका होता है, या फिर उनका जो ग्लू होता है वो निकल चुका होता है, या फिर वो होती है थोड़ी आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं। जैसे पहले के टाइम में बड़ी बड़ी बिंदियाँ चलती थी, अब के टाइम में थोड़ी छोटी बिंदियाँ चल रही हैं। और अगर स्टड वाली बिंदीज हैं तो भाई उसको तो आप DIY में यूज़ कर सकते हो। अगर नॉर्मल वो मेहरून कलर, ब्लैक कलर वाली बिंदियाँ भी हैं तो अभी दिवाली के DIYs बनाओ और उन सब में यूज़ करके उनको ख़त्म करो। इस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने किसी को देनी भी नहीं है तो आप उनको DIYs में अभी दिवाली के DIYs बनाओ यार, थोड़े दिए भी है सजा लो अच्छे से, कुछ थोड़ी सी एक प्लेट्स, छोटी डेकोरेटिव प्लेट्स बना लो जिन पे आप दिए रख सकते हो, कोस्टर प्लेट्स, सो उनमें बिंदियाँ यूज़ करके आप अपनी फिनिश कर सकते हो। वो पुरानी बिंदियाँ जो पड़ी है ना, इतनी बड़ी बड़ी जो बिंदियाँ होती हैं वो यूज़ करके आप ख़त्म कर सकते हो। इसी के साथ साथ चलो आज एक चीज़ और डीक्लटर कर लेते हैं, वो चीज़ है कि आप अपना बेड स्टोरेज चेक कीजिए, चाहे वो अंडर बेड स्टोरेज हो गद्दों के नीचे वाला, या फिर बेड बैक स्टोरेज हो। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, अगेन गो थ्रू इट, पहले तो उसकी सफाई कर लो यार, जाले मिट्टी वगैरह ना हो साइड में, कॉर्नर्स में, और थोड़ी सी नेफ्थलिन बोल्स जो कि फिनाइल की गोलियां होती हैं वो थोड़ी डाल दो, नहीं तो ओडोनिल रख देना वहाँ पे, ताकि कीड़े वीड़े ना आए, होता है कभी कभी मॉइस्चर में कीड़े आ जाते हैं। जो चीज़ें आपकी बाहर ख़राब हो रही हैं और आपके पास अंदर डबल डबल चीज़ें पड़ी हैं, तो उन चीज़ों को अंदर से बेड बॉक्स में से निकाल के बाहर लगा लो, और जो बाहर वाली चीज़ें हैं उनको आप झाड़ू पोछा डस्टिंग में लगा लो। इस तरीके से आप अंदर से बाहर निकलेंगी और यूज़ में भी आएंगी। भाई साहब चलते जा रहे हैं और हॉर्न दबाए जा रहे हैं सही है। और हाँ, जब आप बेड बॉक्स स्टोरेज चेक कर रहे हो तो दीमक वगैरह भी अंदर से चेक करो कि उसमें दीमक वगैरह लकड़ में लग गई है नहीं लग गई है। बेड बॉक्स और बेड बैक में हम लोग इतनी चीज़ें भर देते हैं ना, लिटरली बेड बैक में तो इस तरीके से होता है कि पता नहीं क्या क्या, और स्पेशली अगर आपके पास ड्रॉअर्स वाला बेड बैक है, बड़े वाला बेड है जो सॉलिड बेड होता है, अगर वो वाला है और उसमें ड्रॉअर्स है तो भाई उसमें तो क्या क्या कबाड़ घुसा हुआ होगा मैं बता नहीं सकती हूँ। छोटी पिन से लेके, पेन से लेके भाई पता नहीं सेल, बैटरी चार्जर्स, फ़ोन चार्जर्स, पता नहीं क्या अंट शंट सब कुछ भरा हुआ होगा। तो आप उसको देखो और उसको अरेंज करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जैसे अपनी बेड बैक स्टोरेज में से निकाला था, एक था स्टेप काउंटर जो कि ज़िंदगी में यूज़ नहीं हुआ था, बस पड़ा हुआ था और वो बेड बैक में ड्रॉअर में ही पड़ा था। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक मैंने ड्रॉअर में, बेड बैक के ड्रॉअर में रखे हुए थे नीचे पिल्लो कवर्स, जो प्रेस्ड पिल्लो कवर्स होते हैं वो यूज़ कर रहे हुए थे वो, उसको तो मैंने अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ था, बट जो ऊपर वाला ड्रॉअर था ना उसमें बहुत ज़्यादा कबाड़ था। फ़ोन के कवर्स पड़े थे, मोबाइल कवर्स जो होते हैं वो सब पड़े थे, सो वो मैंने निकाले हैं सब और उनको डिस्कार्ड किया, जो नहीं चाहिए थे वो सब डिस्कार्ड किए मैंने। अभी जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये रोहिणी साइड में जा रही हूँ दिल्ली में, लास्ट टाइम मैं ग्रीन पार्क जा रही थी जो आपने वीडियो में देखा था। ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये कचरे का ढेर है।
इस चीज़ से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वेन एवर यू शॉप, शॉप केयरफुली एंड शॉप सेंसिबली, डोंट डू ओवर शॉपिंग। ये देख रहे हो आप किस तरीके का कचरे का पहाड़ है, ये हमारी एनवायरनमेंट को ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होगा, गंदा इफेक्ट कर रहा होगा, इनको डीकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है। आप देखो कितना कचरा है कि ऊपर JCBs भी चढ़ी हुई हैं। वेन एवर यू शॉप या फिर आप थिंक कर रहे हो दोबारा शॉपिंग करने का, प्लीज़ री थिंक, थिंक 100 times बिफोर ब्रिंगिंग इन अ न्यू पीस ऑफ एनी थिंग, बी इट योर मेकअप, बी इट योर किचन यूटेंसिल, बी इट अ चद्दर, आई मीन कोई भी एक छोटी पेन भी अगर आप खरीद रहे हो ना, पेंसिल भी खरीद रहे हो, तो भी आप उसको रीथिंक करो कि आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग न्यू थिंग्स ऐसे मत करो, क्योंकि आप ये कचरे का पहाड़ देख रहे हो, ये आगे हमें और हमारे बच्चों को ही, आगे की जनरेशन को इफ़ेक्ट करने वाला है। पॉल्यूशन कम नहीं है यार, तो ये वाला पॉल्यूशन हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अभी से सेंसिबली परचेज करना शुरू करें। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। आज की डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 7 में हमने डीक्लटर किया है अपना ड्रेसिंग टेबल वैनिटी, ऑर्गेनाइज किया है साथ साथ, और अपना बेड ऑर्गेनाइजेशन भी हमने किया है। इसी तरीके से होम मेंटेनेंस होती जाएगी अगर आप डीक्लटरिंग अपनी घर का करते रहते हैं। क्लटर अपने घर से निकालते रहेंगे तो घर में अच्छी पॉजिटिव वाइब भी आएंगी, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट भी रहेगा, और घर को मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, चाहे वो किचन हो या घर हो। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दिवाली की अच्छे से तैयारियाँ करो। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और आपको अपनी उस पावर को डबल लिट रखना है इन फेस्टिवल्स में डीक्लटरिंग के साथ साथ। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अगर आप अपने घर का किसी भी पार्ट का डीक्लटर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बिफोर और आफ्टर पिक्स ज़रूर सेंड कीजिए, सो दैट आई कैन इंक्लूड इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, जिससे दूसरे लोगों को भी वो वीडियोज़ देख के प्रोत्साहन मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में।